हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आप YouTube पर काम करते करते बहुत ज़्यादा ऊब गए हैं, थक गए हैं, लेकिन आपने अभी तक भी अपने चैनल से एक भी रुपया नहीं कमाया है, तो दोस्तों आपको ज़रूरत है उस कैटेगरी को बदलने की, उस कैटेगरी को चेंज करने की। आपको आवश्यकता है एक ऐसी कैटेगरी पर काम करने की जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आती हो और जिस पर बहुत अच्छे खासे व्यूज आते हो, यहाँ पर आपकी वीडियो भी ताकि वायरल हो सके, ठीक है ना। तो आपको ऐसी कैटेगरी की आवश्यकता, लेकिन उसमें भी आपको अपना फेस नहीं दिखाना है, आपको अपनी वॉइस नहीं देनी है, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं कि भाई यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर वे अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, या फिर वे अपनी आवाज़ अगर वीडियो में देते तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वे अटकते हैं और स्पष्ट रूप से अपनी आवाज़ भी अच्छे से वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आज की जो कैटेगरी मैं आपके लिए लाया हूँ, उन लोगों के लिए तो भाई बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वरदान साबित होने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ना तो उन लोगों को फेस दिखाना और ना ही इसमें वॉइस देनी, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी वॉइस अच्छी है या वॉइस ओवर वे कर भी सकते हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है ये कैटेगरी, ठीक है। वे चाहे तो इसमें अपनी वॉइस दे भी सकते हैं, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो अब कैटेगरी जान लीजिए क्या है। तो देखिए, इस कैटेगरी पे जो क्रिएटर ऑलरेडी अभी के टाइम पर काम कर रहे हैं ना, उसका चैनल मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा स्क्रीन पर। और सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उनके कितने व्यूज आ रहे हैं, कितनी वे वहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, ताकि उसी के बाद तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ना कि भाई हम भी ऐसी कैटेगरी पर काम करके यहाँ से इतनी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे ही बोलूँगा तो आपको शायद विश्वास भी ना हो। तो पहले आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि कौन क्रिएटर इस कैटेगरी पर काम कर रहा है, कितने उसके व्यूज आ रहे हैं। तो देखिए, सिंपल मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन लगा देता हूँ, ठीक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन आपके सामने आ गई है और अब मैं यूट्यूब पर भी आ चुका हूँ, ठीक है। सर्च बार में टाइप किया है लिटिल मूवी गेम एंड फन, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये चैनल ओपन हो गया, ठीक है, जो इस कैटेगरी पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। वो चैनल मैंने यहाँ पर ओपन किया है और देखिए भैया, इस कैटेगरी पर काम करके आप कितने अच्छे सब्सक्राइबर्स यहाँ पर बना सकते हो। आप पहले इनका देख लो, 36.3 लाख सब्सक्राइबर्स, 3 मिलियन से ज़्यादा का इनका सब्सक्राइबर्स बेस है, ठीक है। और भैया 1.7 के वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। तो देखिए, मैं वीडियो के सेक्शन पर आ चुका हूँ और भाई इनकी रिसेंट की वीडियो पर भी ठीक ठाक अच्छे खासे व्यूज हैं। और देखिए, पॉपुलर कंटेंट पर आऊँ तो भाई 11 करोड़, 7.3 करोड़, 5.1 करोड़ और 5.1 करोड़ ही ख़त्म नहीं होंगे। मैं करोड़ करोड़ बोलता चला जाऊँगा, करोड़ यहाँ पर नहीं ख़त्म होंगे। देखिए, यहाँ तक भी करोड़ है, ठीक है। तो चलिए जी, आप यहाँ पर समझ गए ना। अब देखिए, आपको मैं यहाँ पर एक वीडियो प्ले करके ये और दिखा दूँ कि आखिर ये कंटेंट किस टाइप की वीडियो बना रहे हैं, यानी कि कंटेंट है कैसा, ठीक है। तो देखिए, मैं इनकी रिसेंट की वीडियो दिखा देता हूँ आपको, जो बिल्कुल रिसेंट की वीडियो, ठीक है ना। तो चलिए जी, ये देखिए, अब चेहरा इतना साफ हो गया है, इतनी ग्लोइंग। तो देखिए, यहाँ पर ऐड आ रहा है, ऐड को पूरा देख लेते हैं। लीजिए, स्किप ऑप्शन आ चुका था, स्किप कर देते हैं। देखिए, तो देखिए, आपने यहाँ पर देख लिया है कि ये किस प्रकार की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो देखिए, आपको मैं यहाँ पर और डिटेल से समझा दूँ, इन्होंने यहाँ पर 2 गेम का यूज किया है, 2 गेम को रिकॉर्ड किया है खेल करके, और उन दोनों को आपस में मर्ज करके यहाँ पर जो है इन्होंने अपलोड किया है, ठीक। और आप यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, इसमें इन्होंने ना तो फेस दिया है अपना और ना ही इन्होंने यहाँ पर अपनी वॉइस दी है, ठीक है ना। तो देखिए, ना ही फेस दिया है ना वॉइस दी है, केवल वीडियो की जो ओरिजिनल ऑडियो है, जो खेलने से वहाँ पर उत्पन्न हो रही है, वो ही है।
तो आप चाहे तो वो इस दे भी सकते हैं, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है जी, तो देखिए दोस्तों अब इनकी अर्निंग मैं आपको और दिखा देता हूँ ताकि वीडियो भी बहुत लंबी ना हो और आपको थोड़े से शब्दों में सारी चीजें समझा दूं। तो देखिए दोस्तों मैं अब आपको यहाँ पर इनकी अर्निंग और दिखा देता हूँ ताकि आप अर्निंग देखने के बाद और भी ज़्यादा मोटिवेट हों और इस कंटेंट पर काम करना स्टार्ट करें। इसी कैटेगरी पे इन्होंने काम करके देखिए यहाँ पर बना लिए हैं $9,000 से लेकर के $1,43,000 महीने का, इतना ये समथिंग कमाते हैं इतने से लेकर इतने तक। ठीक है, तो बहुत मोटा अमाउंट बैठेगा इंडियन रुपीज़ में। तो अब आप यहाँ पर इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इस कैटेगरी पर कितना पैसा है और कितने व्यूज आते हैं और कितनी जल्दी बूस्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए अब देखिए आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ आप इस कैटेगरी को कैसे जो है काम करेंगे इस कैटेगरी पर। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर आना है, वहाँ पर चलिए मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा और फिर किस तरीके से आपको एडिट करना है, क्योंकि एडिटिंग वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसको सही से नहीं सीखेंगे तो वहाँ पर आपको कॉपीराइट क्लेम वगैरह आ सकता है। ठीक है, तो फिर आप अपनी उस वीडियो से पैसा नहीं कमाएंगे। ठीक है, तो आपको सीखना क्या है, एडिटिंग वाला पार्ट, जिससे कि आपकी वीडियो पर व्यूज भी आए, अर्निंग भी करें और कॉपीराइट क्लेम ना आए। ठीक है, तो इसलिए एडिटिंग पार्ट पर चलते हैं, उसको बहुत ही ध्यान से गौर से आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर आना होगा, प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको सर्च बार में जाकर यहाँ पर टाइप करना है गोइंग बॉल्स गेम। ठीक है, जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके सामने ये वाला यहाँ पर एक गेम आ जाएगा, इसको आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है ना, इंस्टॉल करने के बाद आपको फिर से सर्च बार में आना है और यहाँ पर आपको एक और गेम सर्च करना है, वो भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दूसरा आपको करना है सेप शिफ्टिंग। ठीक है, तो दूसरा आपको ये वाला जो है इंस्टॉल कर लेना है यहाँ से। ठीक है, तो देखिए इंस्टॉल मैंने कर लिया है, तो अब मैं आपको बताता हूँ आगे करना क्या है। देखिए अब आपको बारी बारी से इनको ओपन करना है। ठीक है, देखिए मैं पहले इसको ओपन करता हूँ, तो देखिए ये यहाँ पर ओपन हो रहा है। और देखिए ओपन होने से पहले अब आपको यहाँ पर एक काम और कर लेना, अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर चालू कर लेनी है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पहले चालू कर लेनी है। ठीक है, और दूसरी बात देखिए जो गेम के अंदर म्यूजिक बजता है ना, उस म्यूजिक को आपको यहाँ पर ऑफ कर देना सेटिंग पर जाकर। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर म्यूजिक और साउंड दो ऑप्शन मिल रहे हैं, तो आपको म्यूजिक ऑफ कर देना है। देखिए इस तरह से होगा, इस तरह से आपको ऑफ कर देना और साउंड को ऐसे ही रखना। ठीक है, उसके बाद आपको गेम प्ले करना। देखिए इस तरीके से आपको गेम को खेलते जाना है, खेलते जाना और रिकॉर्ड करते जाना। ठीक है, आपको केवल इसमें साउंड वो ही सुनाई देना चाहिए जो गेम का है। ठीक है, बाकी का नहीं। ठीक है, ऐसे करके आपने देखिए इसको रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अब चलिए मैं दूसरा बता देता हूँ आपको, दूसरा भी आपको सेम टू सेम इसी प्रकार से रिकॉर्ड करना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की मदद से, और उसके सेटिंग पर जाकर भी उसका वहाँ पर म्यूजिक तो ऑफ कर दे, लेकिन जो रियल साउंड है उसको वहाँ पर रख लें। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको हम अच्छे से यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना, ये रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करते जाना है। तो चलिए देखिए मैंने यहाँ पर इतना रिकॉर्ड कर लिया। तो चलिए दोस्तों अब बताता हूँ मैं आपको इनको एडिट कैसे करना। ठीक है, दोनों गेम आपने रिकॉर्ड कर लिए हैं, अब रिकॉर्ड करने के बाद मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एडिट का। ठीक है, तो उसके लिए देखिए मैं अपने काइन मास्टर पर आ चुका हूँ, आप जिस भी एडिटर से एडिट करते हैं उस पर आ जाएं, प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, तो प्लस के आइकन पर जाते हैं और 16:9 रेशियो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एक बैकग्राउंड चूज करना है, तो देखिए बैकग्राउंड मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इसको खींच कर इस तरीके से बड़ा कर लें। ठीक है, तो लीजिए मैंने ये बड़ा भी कर लिया। अब आपको लेयर पर जाकर जो रिकॉर्ड आपने की है वीडियो वो आपको यहाँ पर ले लेनी है। ठीक है, देखिए मैंने पहले ही वीडियो ले ली है। ठीक है, इसके बाद आपको जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है स्टार्टिंग का, ठीक है, जहाँ से आपकी वीडियो स्टार्ट होती है वहाँ पर आप इसको रखें और बाकी का पार्ट को आपको इसे ट्रिम कर देना है। समझ गए ना, स्टार्टिंग का पार्ट आपको लेना है, बाकी का पार्ट आपको ट्रिम कर देना है। ठीक है,
इसके बाद आपको फिर से इस पर जाना है लेयर पर और आपको यहाँ पर आ जाना है। इसमें नीचे आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन नज़र आएगा, तो आपको यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन इसको कर लेना। ठीक है, आपने यहाँ पर अच्छे से इसको कर लिया। अब आपको देखिए इसको जूम करना है, जो इसके रिफ्लेक्शन आ रहे हैं ना, बाकी के जो पार्ट आ रहे हैं इनको सबको यहाँ से हटा देना, रिमूव कर देना जूम करके। ठीक है, ठीक है जी, आपने यहाँ पर अच्छे से इतना कर लिया। अब आपको इसी तरीके से दूसरा गेम लेना, उसी को भी इसी तरीके से लेना है आपको, लीजिए। ठीक है, फिर से आपको स्प्लिट स्क्रीन पर जाना और इसको दूसरी साइड में सेट कर देना, और इसको जूम करके भी इसके कंट्रोलर अगर हो तो उनको आप वहाँ से हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप समझिए। ठीक है, इसके बाद देखिए आपके दोनों गेम यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है आ चुके हैं, यानी रेडी हो चुके हैं। अब आपको करना क्या है, इनकी लेयर पर जाना है। ठीक है, लेयर पर जाने के बाद आपको इनका कलर कंट्रास्ट थोड़ा सा चेंज कर देना है, देखिए ब्राइटनेस हल्की सी कम करना है और कलर कंट्रास्ट सेचुरेशन आपको हाई कर लेना है, इस तरीके से, समझ गए ना, इस तरीके से। इसके बाद आपको दूसरे वाले गेम का भी इसी तरीके से आपको एडजस्टमेंट कलर का कर लेना है। ठीक है जी, देखिए आपको मैंने यहाँ पर दोनों करके दिखा दिए। तो देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पर लगाना है एक कॉपीराइट फ्री म्यूजिक। कॉपीराइट फ्री म्यूजिक को आप यहाँ पर ऐड कीजिए, यूट्यूब की लाइब्रेरी से डाउनलोड करिए और उसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहें, आपके अंदर स्किल है वॉइस ओवर की, चाहे तो आप इसमें वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है, वरना आपको इसी तरीके से यहाँ पर एडिटिंग करनी है। ठीक है, ताकि आपको कॉपीराइट क्लेम ना आए। आप इसमें और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं अपने माइंड की क्यूरियोसिटी लगाकर। आप बीच में इसमें वर्सेस भी ऐड कर सकते हैं, ऊपर लोगो भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इसके अंदर वो बता दी हैं। ठीक है, इसके बाद आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के बाद आप इसको अपने एक नए YouTube चैनल पर अपलोड करना स्टार्ट कीजिए। भले ही आपका पहले से YouTube चैनल हो, लेकिन आप एक नया चैनल क्रिएट कीजिए और सारी सेटिंग्स के साथ। अगर आपको नहीं आता है करना तो मैं आपको उसका आई बटन पर लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उसको देख करके सारी चीज़ें सीखकर आप एक नया चैनल क्रिएट कर सकते। इस तरह की वीडियो की जो कैटेगरी होगी वो आपको एंटरटेनमेंट सिलेक्ट करनी है। ठीक है ना, बस आई होप आप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज तक की इस वीडियो का यही था सारा सब कुछ जो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे फिर से ऐसी एक और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।